भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह रतनपुर स्थित मां महामाया के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया और भैरव बाबा मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भाजपा के जीत की कामना कर माथा टेका। राम प्रताप सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी विधायकों को टिकट एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कटा है। मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी की है, जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए, परिवर्तन की लहर चल रही है, इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से माता जी से हम सब लोगों ने प्रार्थना किया है कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माता जन जन के नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है उसको गढ़ने का काम 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और पूरा देश आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास थोड़ा अवरुद्ध हो गया है, वो विकास का मार्ग प्रशस्त हो और निश्चित रूप से माँ भगवती से माँ महामाया से हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की फिर से सरकार बने और निश्चित रूप से और छत्तीसगढ़ के जनता का कल्याण हो,